दूरदर्शन पर दोबारा प्रसारित हुए रामायण सीरियल को इतना देखा गया कि ये साबित हो गया कि 80 के दशक के सीरियल को लोग आज भी उतना ही प्यार करते हैं। एक बार फिर से इस सीरियल से जुड़े कलाकार खूब चर्चा में आए। सभी कलाकारों ने अपनी राय रखी और अनुभव बताया, लेकिन जब रामायण में राम सीता लक्ष्मण का रोल अदा करने वाले कलाकारों से एक सवाल पूछा गया तो सबके सब कलाकार शांत हो गए और उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। राम सीता और लक्ष्मण के मुंह से रामायण को लेकर जो बात सुनी गई उसके बारे में जानकर लोगों को गुस्सा भी आया, साथ ही ये भी पता चला कि कलाकारों के साथ अन्याय किया गया। दरअसल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविंद ने कई साल बाद इस अभिनय को लेकर सरकार पर नाराजगी जताई। अरुण ने कहा कि मुझे दुख तो इस बात का है कि मैंने 10 साल अभिनय में योगदान दिया लेकिन आज तक रामायण को लेकर उन्हें सम्मानित नहीं किया गया। अरुण ने अपने ट्वीट में लिखा, चाहे कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, मुझे आज तक किसी सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया। मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ लेकिन उस सरकार ने भी मुझे आज तक सम्मान नहीं दिया। यहाँ तक कि मैं 50 साल से मुंबई में हूँ लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने भी कोई सम्मान नहीं दिया। सोशल मीडिया पर अरुण गोविंद का ये ट्वीट काफी वायरल हुआ। ट्वीट के बाद सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका, लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी और रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद तिवारी तक ने एक लाइव चैट में इस बात पर आवाज उठाई। सभी किरदारों को यही दुख है कि कभी उन्हें इस खास अभिनय के लिए पुरस्कार या सम्मान नहीं मिला। कई फैंस ने अरुण गोविंद के इस ट्वीट का सपोर्ट किया। वैसे आपको क्या लगता है, जिन्हें फैंस का इतना प्यार मिला क्या वो सम्मान के हकदार नहीं है? निलम न्यूज रिपोर्ट।